हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर के ऊपर जो आपको ब्राइटकॉम ग्रुप BCCI की तरह जो आपको रिटर्न देगा, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है हाई रिटर्न देने का। बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, BCCI से भी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल वो शेयर रखता है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शेयर आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी जो है स्किप ना करें। एंड साथ ही साथ आज हम जो है BCCI के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपको BCCI के ऊपर कहा था कि इस शेयर में जो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, मैंने आपसे कहा था कि करीब इसी हफ्ते में जो आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। सेम जो आज आप देख सकते हैं, लगभग 5% की जो आज इस शेयर में जो है गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसमें जो इस ये छोटी मोटी जो गिरावट होती है, आपको इन गिरावट से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना और बिल्कुल ही अपने शेयर को जो है सेल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आपको मैं बता दूँ 100 रुपये क्रॉस करने वाला है ये शेयर। मैं आपको बिल्कुल लिख कर देता हूँ कि इसी महीने के अंदर अंदर ये शेयर जो 100 रुपये क्रॉस कर देगा और बिल्कुल भी आप जो पैनिक ना हो, बिल्कुल भी आप डरे नहीं। आपको मैं बता दूँ, अभी जो एक दो दिन और जो आप इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल भी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस शेयर को आप जो होल्ड करके रखें, बिल्कुल भी जो इस शेयर को सेल ना करें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शेयर है, आने वाले समय में ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दे सकता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो गिरावट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूँ किस लोगों के लिए, जो इसमें फ्रेश एंट्री लेने की सोचें, जो लोग इस शेयर को बाय करने की सोचे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये शेयर में जो गिरावट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में फ्रेश एंट्री लेने के लिए, क्योंकि जब इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा था तब जो है ये शेयर जो आप लोग इस शेयर को बाय करने के पीछे पड़े थे, तब ये शेयर आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये शेयर जो है आपको मिल रहा है क्योंकि सेलर आ चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में फ्रेश एंट्री लेने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये शेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, लगभग 6 महीने में कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 1224% का जो है रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये छोटी मोटी यहाँ पे भी आपको जो गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो इसमें ऊपर ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये छोटी मोटी गिरावट से आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं, बिल्कुल ही पैनिक ना हो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, पहली मैंने वीडियो बना के रख दी थी इस शेयर के ऊपर कि इसमें जो गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, इस शेयर को बिल्कुल भी सेल ना करें। एंड साथ ही साथ मैं आपके लिए सेम ब्राइटकॉम जैसा ही जो एक और ज़्यादा बढ़िया शेयर लेके आया हूँ, जो ब्राइटकॉम ग्रुप से भी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रख सकता है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शेयर और आपको आने वाले समय में वो शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल BCCI की तरह। फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड साथ ही साथ कर्ज मुक्त कंपनी है। तो वीडियो को एंड तक देखें, इस शेयर को बिल्कुल स्किप ना करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं उस शेयर के ऊपर। तो जैसे अगर हम इसके शेयर के ऊपर फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो मार्केट कैपिटल लगभग 418 करोड़ रुपए की है। एंड साथ ही साथ कंपनी जो डिविडेंड देती है 0.91% का यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, 5.26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें 4.16%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड देती है, स्टॉक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 21.4 एंड यहाँ पे अगर हम देखें बुक वैल्यू कंपनी की जो है 92.5, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है। तो यहाँ से आप जो इस शेयर का डिविडेंड का ही फायदा ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है, कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। एंड साथ ही साथ कंपनी जो है बिल्कुल कर्ज मुक्त है। अगर हम इस शेयर के बारे में बात करें, इस शेयर का नाम है ADSL लिमिटेड, अगर हम बात करते हैं एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शेयर है। इस शेयर को बिल्कुल ही अपने हाथ से जाने जाते हैं, फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखाई दी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। अगर हम इसके बारे में बात करें इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम क्यों देखते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी सेल्स ग्रोथ में जो इंक्रीमेंट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो जनरेट करा है। और अगर हम इसके बारे में बात करें इसके पीएनएल अकाउंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करी है एंड कंपनी प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो प्रॉफिट
बना रही है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके रिज़र्व की, तो रिज़र्व कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रही है। कंपनी के पास लगभग जो है ऑलमोस्ट जो है कंपनी डेब्ट फ्री है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स से काफ़ी ज़्यादा शानदार कंपनी परफॉर्म कर रही है। कैश फ्लो पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कैश फ्लो पोजीशन भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी ने कैश जनरेट करा है। एंड कंपनी अपने मेज बिजनेस से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है कैश जनरेट कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड अगर हम इसकी बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो लगभग 50% की जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग है जो कि कॉन्स्टेंट चली आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड फॉरन इन्वेस्टर 0.02% है, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0 है यहाँ पर देख सकते हैं। एंड पब्लिक होल्डिंग की अगर हम बात करें 50.04% की जो है पब्लिक होल्डिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपनी की, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है। अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है। बीसी शेयर की तरह ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अगर हम बात करें तो इस शेयर का जो प्राइस, करंट प्राइस जो लगभग 92.90 पैसे चल रहा है, यहाँ पर जैसे 92.90 पैसे चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टाइम है इसमें आपको फ्रेश एंट्री लेने का, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न अब तक कंपनी दे चुके है। एक साल में लगभग कंपनी ने 137% का जो रिटर्न दिया है, यहाँ पर जैसे लगभग 92 रुपीज़ का ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। बीसी शेयर की तरह ये शेयर है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अभी आपको ये शेयर इतने सस्ते में मिल रहा है, आने वाले समय में ये शेयर 150-200 रुपये में पहुँचता हुआ नज़र आएगा, तो बिल्कुल ही अपने हाथ से इस शेयर को बिल्कुल ही जाने ना दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, बिल्कुल ही ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।